दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अभ्यास। अभ्यास एक शब्द है। अभ्यास क्या है? कोई भी हो, छोटे बच्चे हों, बड़े हों, अभ्यास का मतलब होता है कि किसी कार्य में सफलता मिलने तक उस कार्य को करते रहना, उस कार्य के प्रति ध्यान रखना, और जब तक वह कार्य सफल ना हो जाए तब तक उस कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमको अभ्यास सिखाता है। तो अभ्यास का दूसरा रूप ये है कि आदत जो पड़ती है वो अभ्यास से ही कोई भी चीज़ आदत में आती है। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे कोई भी विषय या कार्य जो है वो आदत में नहीं आएगी। इसलिए अभ्यास को गुरु का रूप दिया गया है कि अभ्यास ही हमारा गुरु होता है, और वह अभ्यास हमारे मन के द्वारा उत्पन्न होता है। जब हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं, किसी कार्य को करने के लिए मन में जब उत्साह लाते हैं और हम ये सोच लेते हैं कि यह कार्य हमसे हो जाएगा, संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब हम मन से ये कर लेते हैं कि यह काम हमसे हो जाएगा, ये कार्य हम कर सकते हैं, और ऐसा मन बना करके जब हम अभ्यास करते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे प्रयास करते हैं, और उसके लिए जब हम किसी कार्य को सफलता पाने के लिए उस पर तत्पर हो जाते हैं, तो वह हमारे सफलता भी हो जाता है और हमारे दैनिक जो कार्य हैं उसमें समाहित हो जाता है। तो इसको अभ्यास कहा गया है। दोस्तों अभ्यास ही गुरु है। एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। जैसे कि किसी कुएं में यदि कोई रस्सी से एक पत्थर कुएं में लगा है और हम प्रतिदिन उस पत्थर से जब रस्सी के द्वारा पानी निकालते हैं कुएं से, और भरी बाल्टी से जब वह पत्थर से खींचता है रस्सी, और रोज़ यह कार्य करते हैं, तो उस पत्थर में भी निशान हो जाता है। इसी तरह हम जो है इन कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, यदि हम किसी कार्य को अपने अभ्यास में लाते हैं तो निश्चित रूप से वह जो है सफलता का कारण बनता है। चाहे वो आपके किसी क्षेत्र में भी हो, कृषि हो, शिक्षा हो, या व्यायाम हो, योग हो, ध्यान हो, या अन्य कार्य हो, चाहे व्यवसायिक कार्य हो या बाहरी कार्य हो, किसी कार्य को जब तक हम आदत में नहीं लाते हैं वह कार्य हमारे लिए कठिन होता है। इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास करने से वह कार्य निश्चित रूप से हो जाता है और उसमें हम सफलता पा जाते हैं। तो अब आज का जो विषय था, अभ्यास ही गुरु। तो अभ्यास का मतलब है किसी कार्य में डटे रहना जब तक उसमें सफलता प्राप्त ना हो। इसलिए हमें किसी कार्य को करने के पहले उसकी पूरी तैयारी करना चाहिए, उसका पूरा मन बनाना चाहिए और उस कार्य में डटे रहना चाहिए। यही हमारा अभ्यास है, और यह अभ्यास ही सफलता का कारण होता है। एक दूसरा चीज है अभ्यास के पहले, मैं थोड़ा सा और ये बता देता हूं कि मन यदि आप बनाते हैं तो निश्चित रूप से
अभ्यास में सफलता मिलती है। और दूसरा कारण ये है, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। यदि कोई साथ में नहीं है तो आप अकेले बढ़ने का प्रयास करें, कार्य अच्छा है तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो हो गए दोस्तों, आज के लिए यही है, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें, प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम जरूर आपको बताते रहेंगे।